आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज क्या है खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। अरे वो मेरा बाप है क्या, मैं उसको बोलेगा हम इसका भाड़ा नहीं देंगे, बुढ़बक बना रहे हमको भी। ये मैडम एक मिनट सुनो, मैडम क्या पता है, बात खराब करो, बैठ लिया और नाटक कर रहा बिना मुजाज के। कल आपने खबरों के माध्यम से देखा कि किस तरह से रांची की जनता ऑटो वाले से परेशान है लगातार। क्यों? क्योंकि एक्सेस सवारी भी और भाड़ा भी ज्यादा। इस खबरों को हमने प्रमुखता से दिखाया था आप दर्शकों के कहने पे ही। आज उस खबर को संज्ञान में लेते हुए यातायात गोंदा थाना प्रभारी ने एक व्यापक रूप में मुहिम लगाया है। आप देख सकते हैं इस समय ये रातू रोड दुर्गा मंदिर समीप आकाशवाणी के समीप ये अभियान को चलाया जा रहा है। दोनों अभियान थाना प्रभारी और जो नज़दीकी आसपास के ट्रैफिक पोस्ट के अधिकारी हैं सभी लगे हुए हैं इस अभियान में और व्यापक रूप में इस अभियान को चलाया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं इस समय ये रातू रोड में सभी जवानों को लगा दिया गया है कि यदि 3 से ज़्यादा पैसेंजर कोई भी ऑटो वाले अपने गाड़ी में बैठा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए और लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं, हम और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप देखें यहाँ पे ये फाइन काटा जा रहा है। जो आप देख सकते हैं, हमने इस मशीन का भी जिक्र किया था तो उस मशीन के द्वारा लगातार सबके हाथों में ये मशीन है। तकरीबन 4 से 5 मशीनें चल रही हैं लगातार ऑटो वालों पे कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रांची की जनता लगातार परेशान हो रही थी कि आप ओवर रोड भी बैठा रहे हैं और पैसेंजर से एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे हैं, तो उसको लेकर के ये आज अभियान को व्यापक रूप में चलाया जा रहा है कि या तो पैसेंजर आप, खैर एक तरह से देखा जाए तो जो अभी भी जो अथॉरिटी है वो 3 पैसेंजरों का ही है, लेकिन लोग ज़्यादा पैसेंजर बैठा रहे हैं और भाड़ा भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इसका संज्ञान आज गोंदा यातायात थाना प्रभारी के द्वारा ये अभियान को लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं, हमें लगता है तकरीबन 50 से 60, आप देखें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ऑटो वाले ओवरलोड बैठा कर सवारी को जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं यातायात प्रभारी के द्वारा रोका जा रहा है, उतार भी दिया है यातायात थाना प्रभारी के द्वारा भी गाड़ियों को रोका जा रहा है और लगातार ये मुहिम को चलाया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं, तो SMP न्यूज के खबर पे मुहर लगी है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठा रहे हैं आपको बख्शा नहीं जाएगा और लगातार सभी ऑटो वालों को पनिशमेंट दिया जा रहा है फाइन के रूप में। आपको क्यों रोका गया है, आपको मालूम है? हाँ सर। आपको अधिकारियों के द्वारा क्यों रोका गया? सवारी बैठाने से। सवारी बैठाने से आपको मालूम नहीं था? मालूम है सर, लेकिन मिल गया रास्ते में तो बैठा, रास्ते में मिल गया तो क्या करें। तो आप लोगों को तो मतलब ये थोड़ा टेंशन होना चाहिए ना कि चेकिंग है, पता नहीं कब पकड़े जाएंगे। चेकिंग नहीं हो रहा था क्या इसके पहले? चेकिंग तो हो रहा था सर, लेकिन फिर भी आप लोग बैठा रहे हैं? बैठा रहे हैं। फिर भी प्रशासन के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगातार मुहिम रातू रोड में तेज किया गया है और ऑटो वाले पे गाज गिरना आज से शुरू हो गया है। जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इस समय सभी इस रूट के आसपास के जो भी अधिकारी हैं, जो भी जवान हैं, सबको इस मुहिम में यहाँ पे अभी लगा दिया गया है कि यदि जो भी ऑटो वाले ओवरलोड सवारी लेकर जा रहे हैं 3 से ज़्यादा, उन पे कार्रवाई किया जाए। जैसा कि आपको हमने बताया था कि यदि आप 3 से अधिक पैसेंजर को अपनी वाहन में बैठाते हैं पर सवारी 200 रुपया का फाइन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोंदा यातायात थाना प्रभारी और वैसे ऑटो वालों पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।
क्योंकि रांची की जनता लगातार यह कंप्लेंट कर रही थी कि ऑटो वाले पैसेंजर भी ज़्यादा बैठा रहे हैं और पैसे भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो अधिकारियों के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। सच्चाई यह हकीकत धरातल पर आपको दिख रहा है, इसकी पड़ताल करने हम निकले कि क्या खबर जो हमारे द्वारा दिखाया गया इसका असर हो रहा है या नहीं, लोग इस अभी भी ऑटो वाले बातों को समझने को तैयार हैं या नहीं है, या अधिकारी इस पर एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सो ये व्यापक रूप में रातू रोड में ये मुहिम चलाया जा रहा है यातायात गोंदा थाना प्रभारी के द्वारा। तो तकरीबन अभी तक लमसम 50 से 60 ऑटो पे जुर्माना किया जा चुका है और अभी भी लगातार मुहिम को चलाया जा रहा है। लगातार गाड़ियों को अधिकारियों के द्वारा, जवानों के द्वारा पकड़ा जा रहा है और उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। आदत कहाँ छोड़ रहा है तू? लोग एकदम तीन पैसेंजर बैठा है, एक ड्राइवर, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा, ये कब से लागू है आप लोगों को कुछ मालूम है? मालूम है सर, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं? नहीं मानते हैं, सब मानते हैं। कभी एक आध एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी 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 एक आध होता है। कभी कभी एक आध को एक्स्ट्रा जब हो जाता है तो पब्लिक की मजबूरी को भी आप लोग समझिए ना, भाड़ा भी कम कर दीजिए थोड़ा सा। पूरा मजबूरी से ऐसा है, लेबर जो है ना सर, थोड़ा सा भाड़ा भी कम कर दीजिए। 10 रुपए में जाते हैं। नहीं, कल हम रिपोर्ट तैयार किए हैं, कल हम रिपोर्ट तैयार किए हैं, उसमें सब लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं पैसेंजर भी ज्यादा ले रहे हैं और भाड़ा भी ज्यादा ले रहे हैं। सो आप देख रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं अभी भी। कि इसमें तो खैर काफ़ी सवारियां हैं, करीबन 1, 2, 3, 4, 5 सवारी है इसमें। जी कितने बार सफ़र कर चुके हैं लॉकडाउन के बाद? हम डेली करते हैं, एक्चुअली प्राइवेट जॉब हम करते हैं। ठीक है सर, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इतने सवारी बैठाने के बावजूद भी क्या ऑटो वाले आपसे पुराना भाड़ा ले रहे हैं क्या बढ़ा हुआ भाड़ा ले रहे हैं? डबल भाड़ा ले रहे हैं। डबल भाड़ा, ये क्या उचित है? एकदम उचित नहीं है, वो हम ही लोगों को पता है जो मिडिल क्लास के हम लोग हैं, उसमें कैसे फैमिली चलाते हैं वो हम लोग ही जानते हैं, कितना मुश्किल हो रहा है इसके अंदर। लेकिन बार बार पेपर में, गवर्नमेंट पेपर मीडिया में बोलने के बाद भी जब गवर्नमेंट कुछ नहीं ले रही है इस पर डिसीजन, तो क्या करें, हमारा तो मजबूरी है, कैसे भी करके फैमिली चलाना है हमें। तो प्रशासन ने जो एक्शन लिया ये गलत डिसीजन है कि सही है? सही है, गवर्नमेंट का तो डिसीजन सही ही था कि नहीं, प्रशासन ने ये कह रखा है ना कि आपको तीन ही बैठाना है, आप तीन भी ज़्यादा बैठा रहे हैं और भाड़ा भी ज़्यादा लड़ते हैं, ये सही है? कहीं भी उचित नहीं है, वो तो हमें खुद पता चल रहा है। क्या मैं आपको बताऊँ, मेरे जैसे कितने लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है सही है? जी बिल्कुल सही है, पब्लिक का यह कहना है कि पुलिस के द्वारा जो भी जो कार्रवाई की जा रही है ये सही है, क्योंकि भाड़ा भी ये ज़्यादा ले रहे हैं और पैसेंजर भी ज़्यादा बैठा रहे हैं। तो फिर से जो हमने पहले वाले विजुअल के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से आपको बताया था, हमने यह भी कहा था जियो और जीने दो, आप ऐसा कार्य कीजिए कि आपके ऑटो में पैसेंजर भी बैठे और आपका परिवार भी चले, ऐसा नहीं किसी को आप लूट लीजिए। तो आज उसी को लेकर प्रशासन ने सख्त सख्त एक्शन लिया है और लगातार जुर्माना सभी ऑटो वाले पे किया जा रहा है। तो यदि आपके पास भी कोई सुझाव है तो हमें आप ज़रूर शेयर करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा खुला रहता है। दूसरा कि यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं या जो दर्शक हमारे खबर को देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। रांची की खबरों से हम आपको लगातार अपडेट कराते आ रहे हैं। अब आप देखें वहाँ, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि यहाँ चेकिंग लगा हुआ है, अब ऑटो वाले वहीं पैसेंजर उतार करके और वहीं से वापस घूम के जा रहे हैं। अब वो समझ चुके हैं कि आगे में चेकिंग लगा हुआ है, तो अपनी वाहन को वहीं से पैसेंजर को उतार करके और वापस लौट रहे हैं। तो ये स्थिति है, जब भी चेकिंग लगता है तो ये लोग बिल्कुल सावधान हो जाते हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे हो गए इस मुहिम को चलते हुए, अब लमसम लोगों को मालूम चल चुका है कि चेकिंग तेज कर दिया गया है, सभी ऑटो वाले सावधान हो चुके हैं और ये रूट बिल्कुल अब क्लीन हो चुका है। तो बातों को समझें, यदि आप खुद परेशान नहीं होंगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप ये परेशानी का जो सबक अभी आपको मिल रहा है ये खुद आप उत्पन्न किए हुए हैं।
तो वैसी गलती आप ना करें ताकि दूसरे किसी को तकलीफ हो। तो ये टुक टुक वाले जो है, हालांकि इनको दो सवारी बैठाने का आदेश है लेकिन ये चार बैठाए हुए हैं, इनको भी प्रभारी के द्वारा रोका गया। तो आज कोई नहीं बचने वाला, लगातार मुहिम तेज और लगातार प्रशासन के द्वारा गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। तो रोका गया है मालूम है? जी नहीं है? नहीं। और सवारी कितना बैठाना है? सवारी तो तीन को बैठाना है लेकिन सब एक ही घर का है। एक ही? आप लोग ठीक है, आप लोग साथ में हैं तो भाड़ा आप लोगों को कुछ बोला गया? कहाँ से आ रही हैं आप? यहाँ पिसका मोड़ से। पिसका मोड़ से कुछ भाड़ा इन लोगों ने बोला? नहीं। कितना भाड़ा लेते हैं ऑटो वाले? 10 लेते हैं। 10 रुपया कहाँ तक के लिए? ये पिसका मोड़ से रातू रोड तक। पहले कितना था? पहले 5 था। 5 था तो अब 10 क्यों ले रहे हैं? ये तो पता नहीं सर। तीन सवारी बैठाना है, आधा सवारी बैठाना है इसीलिए, लेकिन सवारी भी पूरा और भाड़ा भी ज्यादा, वो तो गलत बात है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सही है गलत है? सही है। तो जो पैसेंजर बैठे हैं गाड़ियों में उन्होंने क्या कहा आपने सुना, बाकी इसकी इस पे आपकी भी राय हम जरूर चाहेंगे कि जो कार्रवाई किया जा रहा है क्या सही है या गलत है। चलिए हम कुछ और देखते हैं, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस ऑटो में देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैसेंजर इस गाड़ी में इन महानुभाव के द्वारा बैठाया गया है। आप लोग 7 आदमी बैठे हैं, भाड़ा कितना लिया जाता है आप लोगों से, पुराना कि नया? पुराना, नया वाला 30। नया है ना जी। तो आप लोग को मालूम है ना कि ज्यादा भाड़ा पैसेंजर यदि बैठता है तो भाड़ा हमको नया वाला नहीं देना है, फिर आप लोग नहीं बोलते हैं? बोलते हैं पर मानते नहीं है। मानते नहीं है तो आज पुलिस कार्रवाई कर रही है, सही कर रही है गलत कर रही है? सही कर रही है। सही कर रही है। जनता की बातों को आप समझे, यदि जनता की बातों को आप नहीं समझेंगे तो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई अभी किया जा रहा है इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप डबल लेंगे तो पुलिस वाले उससे भी डबल लेंगे, पर सवारी 200 रुपये का जुर्माना आपका कटेगा क्या? पुलिस कार्रवाई कर रही है, सही है गलत है आप ही से पूछेंगे, आप ड्राइवर है? ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए आपने सुना, ये ऑटो वाले हैं इनका कहना है कि भाई हम तो सवारी बैठाएंगे ही, यदि पुलिस कार्रवाई कर रही तो ठीक कर रही है। अब इस पे भी ऑटो वाले का एक मुहर लग गया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ठीक है, इतना कमा लिए हैं लॉकडाउन के बाद से कि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है तो इनको कोई फर्क नहीं है, जिस तरह से इन्होंने कहा। चलिए कुछ और लोगों को देखते हैं क्या क्या पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है, वो हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑटो से आ रहे थे ITI से, ठीक है ना, तो आगे जाकर के बोला कि इसमें जाओ है ना, तो 20 रुपये दे दीजिएगा। काहे 20 रुपये, 10 रुपये भरा है ना? दो तो है सर, दो तो इन लोग। वो तो हमें नहीं पता, नहीं मैं अकेले हूँ सिंगल। अरे 20 रुपये? हाँ, तो 20 रुपये लिया। कौन देगा? अरे वो मेरा बाप है क्या, मैं उसको दूंगा? टेंपो लोग पास बोले कि हम 20 का भाड़ा नहीं देंगे, बुरी बात बना रहे हैं हमको भी। ये मैडम एक मिनट सुनो, मैडम क्या पता है, बात खराब करो, बैठ लिया और नाटक कर रहा बिना मुजात के। उसमें क्यों नहीं बोले टेम्पू लगा, 20 रुपया ले लीजिएगा सर, टेम्पू दिया, एक मिनट सुनिए सर, अगला ऑटो को 20 रुपया दे दिया, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए आपको, आपको भी तो पूछना चाहिए ना कि आपके साथ में है। इसलिए सर बोला कि इससे मत लीजिए, मेरा कुछ नहीं है, दोनों को ले लीजिए, मेरा कुछ नहीं है। जब इनका वो कुछ नहीं है तो काहे बार आइए? सुनिए ना एक मिनट सर, ये भी सपोर्ट करेगा, सुनिए पूछे क्या बोला जी। ऑटो वाला जो बोला ना, हाँ टेम्पो ले पूछ ले क्या बोला, ऑटो वाला क्यों बोला कि दोनों सवारी ले लेंगे? ऐसा है ना सर, तुम बोला कि अगला गाड़ी पकड़ रहा है ना, तो इनको रुकवा है तो ये बैठा लिया हम लोग, नहीं तो हम लोग काहे बैठते, हम 20 रुपये हम निकाल देते हैं। बैठा ले तो क्या बोला अगले आदमी तुमको कि बाबा देंगे पैसा? बाबा देंगे, कितना देंगे? 20 रुपये बोल दिया सर दोनों का। बाबा आपने पूछे बाबा काहे देंगे दोनों का पैसा? तो हम पूछे लगता है जिसको हम पैसा देंगे
खाली करते सर, हमको उलझा करके लोग ना। सुनिए सर, मैडम सामने पूछ लिया अगर हम झूठ बोलते, मैडम सामने पूछे ना क्या बोले थे हम पैसा दिए ऐसा ऐसा। सुनिए सर, ऐसा हुआ समझ गए ना आप जो बोल रहे हैं, पैसा वहाँ दे दिए और एक पैसा इनको देगा, ऐसा बात हुआ। अच्छा आप क्यों बोल रहे हैं कि आपका वो बाप नहीं लगेगा? आप क्यों बोल रहे हैं कि आपका वो बाप लगेगा? आपके तो छोटा है वो। ओ देखिए ना, कह रहे उसका किराया हम क्यों देंगे? बात सही है, क्यों देंगे? और ये जो है जो सेकंड जो ऑटो से गया उसे 20 रुपया दे, सुनना ये 20 रुपया किराया दे चुका, ठीक है ना? तो वहाँ से यहाँ दोनों का करके 10 करके वो 20 रुपया लिया, तो इसका मत लेना हमसे लेना। आप देने वाले नहीं है? हम दे दिया 20 रुपया ऑलरेडी, 20 रुपया उसका भी दे दिए, हम दे दिए इसको, पूछ लो 20 रुपया देने के बाद ही फिर मांग रहे हैं? नहीं और क्या मांग रहे हैं, अबे 20 रुपया हम दे दिए, मजबूरी आपको देना पड़ा, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे हम मजबूरी में, आप समझ रहे हैं ना? वो अंकल होकर के उनको बोल रहे हो कि मेरा बाप लगता है। जो भी हो ऐसे 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 लगातार सड़कों पे ये प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी 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 जी, क्या क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ था? नहीं नहीं, वो ऑटो वाला बोला था कि उनसे ले लीजिएगा, तो वो कुछ नहीं बोले थे। हम पैसे भी नहीं करते, अगर वैसा बात होता वो बोले कि बाबा से पैसा आप ले लीजिएगा, इनसे मत लीजिएगा, तो भाड़ा जो है ना से दे चुके हैं। यहाँ पे अंकल भी भाड़ा पता नहीं दिए कि नहीं दिए थे वहाँ पे, तो ऑटो वाले ने कहा 20 रुपया ले लो, तो अब अंकल बोल रहे हैं कि वो मेरा बाप लगता है। जो भी हो मामला सॉल्व हो गया है, ये पैसेंजर का मामला है, ऑटो वाले ई रिक्शा वालों को झेलना पड़ता है और पैसेंजर को भी झेलना पड़ता है। वहाँ से ये ITI मोड़ तक 80 रुपया लिया, 40-40 रुपया करके लिया, डबल। हाँ डबल, बहुत ज्यादा परेशानी। उसी को लेकर पुलिस वाली कार्रवाई कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत? नहीं बहुत सही है सर, आम जनता के लिए बहुत सही है, बहुत सही है। जब कोरोना वायरस था तब हुआ था, अब तो खत्म हो जाना चाहिए ना। हम लोग स्टूडेंट को बहुत परेशानी परेशानी, अधिक सवारी भी और पैसा भी ज्यादा। हाँ ज्यादा, और सवारी तो उससे ज्यादा ही बैठाता है ना, ऐसा नहीं कि 3 सवारी बैठाता है, पूरा तो पूरा फुल गाड़ी बैठाता है ये लोग, तो फिर भी भाड़ा डबल क्यों? सही 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 भाड़ा लीजिए। हम लोग तो नहीं, पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है सर को, थैंक यू बोलेंगे करने के। चलिए, तो पुलिस वाले लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पैसेंजर भी इस बात को मुहर लगा रहे हैं कि जो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऑटो वाले पे जो कार्रवाई अभी की जा रही है। तो अभी आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जो ऑटो वाले मनमानी कर रहे हैं उन पे प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और पब्लिक का क्या राय है वो भी आपने सुना। आप भी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं, और आपसे भी हम यही कहेंगे कि यदि ऑटो वाले 3 पैसेंजर ही बैठा रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर भाड़ा दें, और यदि 3 से अधिक सवारी बैठा रहे हैं तो आप नॉर्मल भाड़ा जो पुराने थे वही दें। यदि कहीं कोई परेशानी है तो आप पुलिस कर्मियों की मदद लें, और आगे भी हमारी नजर इस खबर पे बनी रहेगी कि क्या ऑटो वाले में कोई सुधार हुआ या नहीं, और रांची के विभिन्न क्षेत्रों की क्या है स्थिति, उस खबर से भी आपको रूबरू कराने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वहां भी ऑटो वालों की यही स्थिति है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम लेटेस्ट अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।